नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं beforeprint.in। राष्ट्रीय जनता दल ने फाइनली टीम तेजस्वी का ऐलान कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर राजद में जो संगठन के स्तर पर काम होने थे, जो चुनाव होना था, चाहे जिला अध्यक्ष का चुनाव हो, उसको लेकर के राजद ने अपना काम कर दिया। भले ही इससे पहले बहुत सारे सीन क्रिएट हो गए थे राजद में, रघुवंश बाबू की चिट्ठी भी लालू प्रसाद यादव तक पहुंची, खासकर मीडिया के पास पहुंची, लेकिन अब इससे जुड़े कई ऐसे सवाल उठने लगे हैं और कुछ इनसाइड स्टोरीज सामने आए हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा। ये इनसाइड स्टोरी जो है न्यूज़ 18 पर भी आई है और हम इसी को मद्देनजर रखते हुए उन सारे पहलुओं को सामने रखने की कोशिश करेंगे और जरा गौर से आप समझिएगा। हमने बताया था कि जब जिला अध्यक्षों का यह चुनाव हो रहा है राजद में, तो इसमें तेजस्वी यादव ने बड़ा उलटफेर किया है, बड़े परिवर्तन किए हैं। राजद के बेस जो वोटर होते हैं, वोट बैंक, कोर बैंकिंग जो है वोटों का, जो वोटर्स हैं उनके, उसमें बदलाव कर दिया तेजस्वी यादव ने। जो MY समीकरण के लिए राजद जाना जाता रहा है, उसमें बदलाव हुआ। तो यह सबके मन में खटकने लगा कि इसके दूरगामी प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं, इसका असर क्या पड़ेगा, ये सारे सवाल उठ ही रहे थे। तो इस बीच में एक खबर भी आ गई है कि लालू प्रसाद यादव भी संगठन में इस तरह के व्यापक बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। अब बदलाव क्या हुए हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि राजद ने इस बार प्लान बदला, MY समीकरण से हट करके सबको साथ लेने की बात राजद ने की। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिसे जिन कहा जाता था, हमारे पिताजी बोलते थे वो जिन, अब वो जिन हमारे सामने खुल के आएगा, वो साफ होगा, वो हमारे पार्टी में अहम भूमिका निभाता नजर आएगा। तो तेजस्वी यादव ने क्या किया कि जिला अध्यक्षों के का जो ये चुनाव हुआ, तो इसमें उन्होंने, तेजस्वी यादव ने कई ऐसे लोगों को मौका दिया है जो अब तक वंचित थे। यादव मुस्लिम के अलावा अब दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और सवर्णों को भी मौका दे दिया गया। इसके बाद इसकी घोषणा होने में लेट हो रही थी तो कई तरह के सवाल उठने लगे थे कि ये इसका ऐलान कब होगा। तेजस्वी यादव दिल्ली चुनाव से लौटे तो कल जगदानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके जिला अध्यक्षों की सूची लोगों के सामने रख दी, मीडिया के सामने रख दी। चलिए ये तो हो गया, लेकिन जो जिला अध्यक्षों की सूची आई है उसमें जो परिवर्तन की बात थी, वो परिवर्तन देखने को स्पष्ट तौर पे मिल गया। 50 जिला अध्यक्षों में जो तैयारियां की गई हैं उसमें 28-22 वाला फॉर्मूला है, जिसमें पिछड़े, अति पिछड़े और फिर मुस्लिम, यादव, सवर्ण, इन सब को मिला जुला करके मौका दिया गया। लेकिन अब इसके इफेक्ट्स को हम समझाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले लालू प्रसाद यादव की बातों को भी समझना जरूरी है। दरअसल हुआ क्या कि तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह ने लालू प्रसाद यादव के पास अपना प्रपोजल भेजा कि हमारा प्रपोजल है, हम आगामी चुनाव के मद्देनजर इस तरह का बदलाव करना चाहते हैं, अगर यह बदलाव के लिए आप कितने सहमत हैं। लालू प्रसाद यादव ने एक बार में इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि व्यापक स्तर पर यह बदलाव राजद की सेहत के लिए सही नहीं है, आप ऐसा ना करें। लेकिन तेजस्वी यादव ने उन्हें भरोसा दिलाया, जगदानंद सिंह ने उन्हें भरोसा दिलाया और संभालने की कोशिश की स्थितियों को कि नहीं हम ठीक कर लेंगे, और जिद करने लगे। जिद करने के बाद लालू यादव उनकी बात मान गए, लेकिन एक शर्त भी उन्होंने रख दी। वो शर्त क्या थी कि आप जिन जिला अध्यक्षों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं उन जिला अध्यक्षों को हटाइएगा तो ठीक है, लेकिन उन्हें सम्मान दीजिए, पार्टी में सम्मान दीजिए और सम्मान के तहत जो जितने पुराने उस हिसाब से उन्हें प्रोन्नति दीजिए। अब प्रोन्नति की बात लालू यादव ने कही, ये एक लालू प्रसाद का स्टाइल है, वो अपने खास को नाराज नहीं करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जिस हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं और जगदानंद सिंह जो कर रहे थे, इसको लेकर के राजद के कुछ और सीनियर लीडर्स खफा थे, नाराज बताए जा रहे थे। सबसे आगे उसमें रघुवंश प्रसाद सिंह जो जगदानंद सिंह के स्टाइल से ही खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि पार्टी में मिलिट्री शासन लगाने की कोशिश हो रही है, ऐसे पार्टी चलती नहीं है। तेजस्वी यादव को भी नसीहत मिलती थी, तेज प्रताप यादव को नसीहत मिलती थी। आज जब जिलाध्यक्षों की सूची तैयार हो गई तो फिर एक बैठक बुलाई गई थी राजद के राबड़ी आवास पर, खुद राबड़ी देवी का पता नहीं चला उसमें है कि नहीं है, और तेज प्रताप यादव भी नदारद रहे थे। तो ऐसे में सवाल यह उठने लगा, क्या राजद का जो टॉप लीडरशिप है, जो टॉप नेतृत्व है,
पुराने नेता हैं, क्या संगठन के स्तर पर जो चुनाव हुए हैं उससे खुश नहीं है क्या? अब लालू प्रसाद यादव की जब ये इनसाइड स्टोरी वाली बात सामने आई है तो इससे भी यह स्पष्ट हो चलता है कि राजद के कई सीनियर लीडर्स खफा हैं। वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का बदलाव पार्टी में कर दिया जाए जिससे कि हमारे कोर वोटर्स में नाराजगी देखने को मिले। राजद को या पुराने नेताओं को चिंता यह सताने लगी है कि अगर हम पार्टी में इस तरह का बदलाव कर दिए हैं तो जो पुराने नेता हैं, जो पुराने जिला अध्यक्ष थे, जैसे चाहे वो यादव हों चाहे मुस्लिम हो, उनकी वहाँ पर जमीनी पकड़ थी, उस अगर पकड़ के खिलाफ अगर हम किसी नए को वहाँ पे रखते हैं तो इनकी नाराज़गी का असर उनसे जुड़े हुए लोगों पर सकता है, हमारा वोट बैंक खिसक सकता है। सेम यही बात का डर लालू प्रसाद यादव को भी है, इसलिए वो एक तीर से दो निशाने साधने में कोशिश में जुटे। अब यह सफल कितना होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को सलाह दी कि आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो जिला अध्यक्षों को, जो पुराने हमारे नेता हैं, जो हमारे प्रिय हैं, जो कई वर्षों से राजद की सेवा में डटे हुए हैं, उन्हें आप पार्टी से कहीं मत जाने दीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए, उन्हें प्रोन्नति दीजिए। तो इसी पैटर्न के तहत अब आगे जो है राजद प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी में इन लोगों को जगह देने की बात कह रहा है। तो हो सकता है कि जो यहाँ पे अनदेखा किया गया इन लोगों को, उन्हें फिर से कुछ ना कुछ पद मिल जाए, उन्हें प्रोन्नति के तहत उन्हें आगे बढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इस बीच समझना यह ज़रूरी है कि अगर जो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में ये होने हैं, इसमें महागठबंधन वर्सेज एनडीए की बात है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए और इधर तेजस्वी यादव के नेतृत्व की बात कही जा रही है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, तो महागठबंधन के जो बाकी दल हैं उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन जो राजद की हम बात कर रहे हैं, राजद में जो ये बदलाव हुए हैं यह कदम बताया जा रहा है कि आत्मघाती भी साबित हो सकता है। राजद के कई सीनियर लीडर्स का यह मानना है, उनका कहना है कि जैसे ही संगठन स्तर पर बदलाव हुए, व्यापक बदलाव हुए, तभी से बड़े नेताओं को जिला से चाहे प्रखंड से हर जगह से फ़ोन आने लगा कि सर हम में क्या कमी थी, हमें इतने मेहनत का ये फल क्यों दिया गया, हमें हटा क्यों दिया गया। तो अब इससे यही लगता है, और राजद के पुराने नेताओं का मानना है कि ये लोग ऐसे नेता थे, या पटना में ही देख लीजिए, चाहे सुपौल में, पूर्णिया में जो बदलाव किए गए हैं, यदुवंशी यादव की जगह किसी और को कमान दिया गया, तो ऐसे में विधायकों से भी ये जिम्मेदारी छीन करके दूसरे को दे देने के बाद से नाराज़गी बढ़ती जा रही है। भले जगदानंद सिंह या तेजस्वी यादव यह दावा करते रहें कि विधायक लोग खुश हैं, राजद खुश है इस बड़े बदलाव से, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान और भी खड़ा हो रहा है, जो लोग नाराज हो गए हैं उन्हें मनाएं कैसे? क्या लालू प्रसाद यादव ने जो सुझाव दिया है तेजस्वी यादव उस पर काम करके इन लोगों को मनाने में सफल रहेंगे, यह तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा कि आखिर होता क्या है। लेकिन इस बीच जो नाराज़गी सामने आई है उसे माना जा रहा है, राजद के पुराने नेता मानते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसका सीधा असर पार्टी पे होगा, क्योंकि इन लोगों की पकड़ है जिले में, कार्यकर्ता लेवल पे, बूथ लेवल पे लोगों के बीच पकड़ है, उठ बैठ है। तो ऐसे नेताओं को नाराज करने का मतलब है अपने कोर वोटर्स को नाराज करना। तो अभी जो ये इनसाइड रिपोर्ट आई है कि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते थे, तो कहीं ना कहीं मन में यह खटका जरूर है कि तेजस्वी यादव का यह कदम आत्मघाती साबित हो सकता है। तो 2020 के चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव जो सबको साथ लेकर की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें सवर्ण में वो कितना भरोसा जता पाए होंगे यह भी सोचना पड़ेगा। जगदानंद सिंह को जब से राजद प्रदेश की कमान दी गई है तब से राजद के अंदर भी विवाद शुरू है, चाहे छूट भैये नेता हों या युवा नेता हों या बुजुर्ग नेता हों, हर कोई इनके वर्किंग स्टाइल पे सवाल खड़ा कर रहा है। तो ऐसे में राजद के अंदर जो कोलाहल मची हुई है, अब ये संगठन के स्तर पे जो बड़ा बदलाव हो गया है, इसका असर क्या पड़ेगा? क्या राजद का यह कदम आत्मघाती होगा? टीम तेजस्वी व जादुई आंकड़ा हासिल करने में सफल हो पाएगी? तेजस्वी यादव को पूरा यकीन है कि वो उन्होंने जो कदम उठाया है, जगदानंद सिंह को यकीन है कि उन्होंने जो कदम उठाया है राजद के हित में है, क्योंकि पिछले सालों कई सालों से राजद में कोई इस तरह का बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला था। अब जो बदलाव हुआ है यह कहीं ना कहीं राजद को फायदा देता नजर आएगा, ऐसा तेजस्वी यादव का मानना है। लेकिन राजद के कुछ पुराने नेताओं को यही मानना है, उनका यह मानना है कि यह आत्मघाती कदम भी साबित हो सकता है।
तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती है कि वो सामंजस्य कैसे बैठाएं। लालू यादव ने इस चीज़ को भांप लिया है, उन्होंने एक अलग सुझाव, बैकअप सुझाव दिया है। अब बैकअप सुझाव पे अगर काम होता है तो शायद तेजस्वी यादव अपने प्लानिंग में सफल हो पाएं। अगर उनके लालू प्रसाद यादव के प्लान के इधर जाते हैं, इधर हो जाते हैं, तो ये सच में आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। Before.in में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।